अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन यूएसए। तो यहाँ अमेरिका में जी सुबह सुबह का टाइम है और सबसे मेरी रूटीन में सबसे पहला काम ये होता है कि मैंने सबसे पहले उठ के अपने बेटे का लंच बॉक्स बनाना है बिकॉज़ उसने स्कूल जाना होता है। सो आई एम पुटिंग सम विटामिंस फॉर हिम बिकॉज़ उनका जो स्कूल टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो उसको जो एनर्जी लेवल उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। सो जी वन कैंडी आई पुट न्यूट्रेला एंड सम हेल्दी फूड। सो दिस इज़ द लंच बॉक्स आई एम गोना डू। आप देख सकते हैं इसको आपके आइडियाज़, अपने आइडिया से कि एक लंच बॉक्स में मैं क्या क्या ऐड करती हूँ, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो वन स्नैक आई पुट बिकॉज उसको ये स्नैक जो है वो बहुत पसंद है, तो मैं एक स्नैक ज़रूर उसको देती हूँ। एंड ऑन अदर हैंड आई एम गोइंग टू पुट सम चिकन एज अ प्रोटीन। सो दिस इज़ द लंच बॉक्स, टू विटामिंस, स्नैक, कैंडी, फ्रूट एंड चिकन। और यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है जिसकी वजह से मुझे उसको एक प्रॉपर रैप करके देना पड़ता है लंच बॉक्स, ताकि उसका लंच बॉक्स जो है वो ठंडा ना हो। तो मैं इसको इसमें क्लोज कर देती हूँ ताकि उसका जो है लंच बॉक्स की ठंडा ना हो। और ओके जी, तो बिल्कुल रेडी हो गया है मूसा एंड ही इज़ गोइंग टू स्कूल। देखें बिल्कुल भालू बना के बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है यहाँ पे। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉप माई सन टू द बस स्टॉप। इट्स सो कोल्ड टुडे, इट्स सो कोल्ड। हेलो मूसा। हेलो। सो इट्स अर्ली मॉर्निंग, इट्स ऑलमोस्ट 9 o'clock। सो हियर इज टू कॉल, सो आई एम गोना शो यू द बस स्टॉप एंड द वे दे लाइन अप इन द बस। सो सी या। सो जी बच्चे खड़े हैं अपनी बस के इंतज़ार में एंड हेयर इज़ द बस कमिंग। तो उसको मैंने अपने बेटे को भेजा स्कूल के लिए, ही लेफ्ट फॉर द स्कूल। तो मैं घर वापस आया, तो जी घर आके मैंने बनाया अपना ब्रेकफास्ट, वेरी इजी। ब्रेकफास्ट के बाद रूटीन के काम शुरू हुए जाते हैं और मैंने किए बर्तन धोए, फिर थोड़ा सा वैक्यूम किया। ये जी यहाँ पे रूटीन है हमारी, क्योंकि इस परदेश में आके आप घर की रानी भी यहाँ पे हैं और नौकरानी भी आप ही हैं। इसके बाद मैं अपने कमरे में चली और मैंने क्लीन किया अपना बेड, और उसके बाद मैंने अपनी बेटी का बेड बनाया। सो ताकि पहले मैं रूम क्लीन कर लूँ, ब्रेकफास्ट हो गया, रूटीन के काम। उसके बाद मैंने उसको रूटीन के लिए ड्रेसअप किया। तो हे शीज ड्रेसअप, सो मैंने उसको कहा कि अच्छा यू नीड टू ट्रेल। इसके बाद शुरू होता हुआ जाता है जी हमारा कुकिंग का काम। तो पहले मैंने अपना स्टोव किया क्लीन, क्योंकि इसके बगैर तो मुझे ऐसा लगता है एक ओसीडी सी हो रही होती है कि जब तक क्लीन ना हो ना मैं कुकिंग नहीं कर सकती। और तो मोस्टली खवातीन ऐसी ही होती हैं कि पहले तो आप अपना किचन एरिया क्लीन करें और उसके बाद आप कुकिंग स्टार्ट करना शुरू करें। तो आज की जो डिश थी वो थी निहारी, जो कि मैंने पहले कभी नहीं बनाई। मेरे हस्बैंड हम यूजुअली जो है वो निहारी बाहर से खा के आते हैं, तो जिस रेस्टोरेंट से हम पसंद करते थे वो आई डोंट नो उन्होंने क्यों बंद कर दिया, वो क्लोज हो गया परमानेंटली। सो माई हस्बैंड वॉज क्रेविंग फॉर निहारी, तो मैंने उनको कहा लेट मी ट्राई, अगर अच्छी बन गई तो उन्होंने कहा देखते हैं तुम अपने टेस्ट में कामयाब होती हो कि नहीं। सो हेयर फर्स्ट टाइम आई एम कुकिंग निहारी, आई डोंट नो कैसी बनती है बट आई एम ट्राइंग एटलीस्ट। मैंने एक यूट्यूब पे वैसे ही एक रैंडम रेसिपी देखी, और काफ़ी रेसिपी मैंने देखी बट मुझे जो अपने लिए सूटेबल लगी तो उसको मैं फॉलो करते हुए ये निहारी बना रही हूँ। तो देखते हैं ये कैसी बनती है। आई एम अ गुड कुक ऑलवेज वैसे तो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हस्बैंड जो हैं हम बाहर खाना पसंद करते हैं, तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई करी। तो उसके बाद मैं खुद भी थोड़ा सा ड्रेसअप हो गई, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो 4 o'clock होने लगे थे, मूसा का आने का टाइम होने लगा था। एंड आप देखें जी आपकी बहन हो गई है कामयाब तकरीबन, क्योंकि बहुत अच्छा गोश्त जो है वो गल गया है। एनीवेज उसको मैंने थोड़ा सा और प्रेशर लगा दिया ताकि वो बहुत ही स्मूथ हो जाए। ऑन अदर हैंड एज आई टोल्ड यू कि 4 बजने लगे हैं तो मूसा आने वाला है, उसके आने से पहले मैं पराठा बना देती हूँ उसका, बिकॉज सुबह का क्या होता है लॉन्ग टाइम होता है। हेलो तो उसके बाद अजय। मैंने पराठा बनाया अजय, एंड आई एम बैक टू द सो बस स्टॉप टू यू आर पिक पिकिंग अप अप मूसा। यस। ओह हियर इज द बस। मामा। सो फाइनली द बस। लाइव। या मूसा इज कमिंग। यस। तो जी घर आके मैंने अपने लिए निहारी निकाली और हेयर इज द फाइनल लुक। तो मैं अपने टेस्ट में हो गई कामयाब, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आ गई पसंद। उसके बाद
जो था वो मैं जब घर आई तो मेरा एक पार्सल आया हुआ था, तो मैंने क्या सोचा उसको भी अनबॉक्स करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैंने वहाँ हम शॉपिंग करने गए थे ग्रॉसरी के लिए, तो मैंने वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया था कि मेरा ब्लेंडर जो था वो थोड़े दिन पहले शहीद हो चुका था। सो मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया है एंड आई सेव $3 ऑन दिस, बिकॉज जब हम ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करते हैं तो वो हमें थोड़ी सी लेस प्राइस पर मिलती हैं। तो जी मैंने सोचा इसको आपके सामने सेटअप करते हैं। अच्छा जी, ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप यू गाइस लाइक इट। इफ यू लाइक इट डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। मैं मिलूंगी आपके साथ इन नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई चीजों के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।